नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज। दोस्तों, पिछले दिनों में एक मामला सामने आया था जिसमें हनी नाम का 30 साल का युवक किस तरीके से अपनी फांसी लगा लेता है खुद को, और जिस जगह पर वो काम करता था, आइसक्रीम की फैक्ट्री के अंदर जहां काम करता था, वहीं पर ग्रिल के साथ लटका हुआ शव उसका पाया जाता है। जब सुबह उसका शटर खोला जाता है और उसके बाद यहाँ पर कहानी कुछ और ऐसे सामने आ रही थी कि उसने खुद को फांसी जो है वो लगा ली थी, जिसके बाद कारण सामने आ रहा था कि उसका रिश्ता टूट गया है। लेकिन रिश्ता टूटने की जो वजह सामने आ रही थी वो अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अभी आज यहाँ पर कारण कुछ और सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके परिवार के कुछ लोग जिला सचिवालय पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं सभी भीड़ के अंदर पहुंचे हुए हैं, जिसमें उनका कहना है कि आज एक सुसाइड नोट और सामने आया है। हालांकि एक सुसाइड नोट उसके फ़ोन में मिला था, लेकिन एक सुसाइड नोट और सामने आया है जो उन्हीं की उसी लड़के की हनी की फैक्ट्री से मिलता है परिवार को, जिसके बाद उसमें ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। और यहाँ पर फिलहाल सीधा परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो पूरा मामला है जिसमें हनी ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। 30 मार्च को मेरे छोटे भाई हनी ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड का कारण यह था कि नेहा और उसकी भाभी आरती बिजोरिया, इन्होंने इसको बहुत ब्लैकमेल किया, और जिसके कारण इसने फांसी ले ली। ब्लैकमेल का कारण यह था कि उसकी कुछ न्यूड फोटो उनके पास थी, न्यूड फोटो के अलावा वो पैसे की डिमांड रखते थे इसके पास, वो पैसे ले भी चुके थे इससे, और 50,000 करके दो बार वो पैसे ले चुके थे इससे। किसकी न्यूड फोटो थी, किसके पास थी? इनके नेहावर के पास, नेहा और आरती बिजोरे के पास। अच्छा। जिसकी वो धमकी देकर, डरा धमका कर इससे पैसे ले रहे थे। अच्छा। हाँ जी, वो इतना परेशान था इसलिए एक महीने से कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी इस मामले में, क्योंकि वो कहने का मतलब है कि पिछले दिनों तो सुसाइड का कारण आया, वैसे ये सामने आ रहा था जैसे कि वो शादी टूटने से परेशान है, पर यहाँ पर आप कारण बता रहे हैं कि मामला कुछ और ही बता रहे हैं। मामला उसके फोन में सुसाइड नोट मिला है जी हमारे को, उसके आधार पे हमें पता लगा उसके अंदर, वो मैं दिखा सकता हूँ, फोन में मिला उसके। लड़की ब्लैकमेल कर रही है, उसमें उसको ब्लैकमेल कर रही है जी, ब्लैकमेल कर रही है पैसे के लिए जी, पूरा 50,000 रुपए दिए, उसने 8.5 लाख मांगे जी, 2 से 4 बनाऊं, कॉल रिकॉर्डिंग में भी ये साफ साफ पता लग रहा है वो पैसे मांग रही है, कॉल रिकॉर्डिंग में भी साफ साफ पता लग रहा है, और जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें भी वो पैसे मांग रही है 8.5 लाख रुपए तक। लास्ट के पास प्रूफ है सारे, हमारे पास सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट में वो लिख के गया है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग उसके फोन में है। उसने वो लिखा है सुसाइड नोट में, लिखा है उसने वो सुसाइड नोट में लिखा है, हमारे पास है सुसाइड नोट, आपके पास है सुसाइड नोट? हाँ जी बिल्कुल है जी। तो आप क्या चाहते हैं, किस लिए आए हम जी? इंसाफ चाहते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं परिवार के खिलाफ, नेहा और जो आरती है जो उनके खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ। सुसाइड नोट में तो ऐसा भी लिखा गया कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ये सब कुछ। सुसाइड नोट वो उसकी जेब से मिला था जी, लेकिन उसके जो मोबाइल से सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पर हम कार्रवाई चाहते हैं। यानी कि दो-दो सुसाइड नोट लिखे गए? हाँ जी हाँ जी, दो थे सुसाइड नोट, वो सुसाइड नोट हमें मिला जी बाद में, और भी मिला है जी, और अभी उसका कॉपी है दिखाने के लिए। हाँ, दिखाने के लिए कॉपी है, क्योंकि वो उसके फोन में थी। यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि जो हनी है सुसाइड नोट के बारे में थी, हम ये एसपी साहब के समक्ष पेश करेंगे ये एक बार। एक बार हम देखना चाहते हैं ताकि पब्लिक भी देखे एक बार जो आप साइड नोट बता रहे हैं। हाँ जी सर, यहाँ पर फिलहाल जो सुसाइड नोट ये बोल रहे हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ है इस सुसाइड नोट के अंदर एक बार सर जरा बताइए, क्या कुछ है इसके अंदर एक बार? इसमें साफ साफ लिखा था जिसकी मौत की जिम्मेदार आरती बिजोरिया और नेहा बिजोरिया है। अच्छा, ठीक है। ये कहाँ पर मिला आपको? ये हमें उसकी फैक्ट्री में मिला जी, फैक्ट्री में मिला है, जिसकी फैक्ट्री में मिला जहाँ वो काम करता था। अच्छा। और फैक्ट्री में वो खटी पटी हालत में मिला था, हमने उसको जोड़ा, और मोबाइल में भी यही सेम ऐसा ही है जहाँ पर उसने सुसाइड किया उसी जगह पर, उसी जगह में मिला जी हमारे को, और ये उसके मोबाइल में भी है। जिस दिन उसके मोबाइल में वो वाला मिला था तो ये कितनी देर बाद मिला था? ये मोबाइल में हमें, हम थाने से इंचार्ज साहब के पास गए थे, कल गए थे हम सुबह 10-11 बजे के टाइम, हमने उनसे परमिशन ली कि हमने फैक्ट्री में थोड़ी छानबीन करी है, करनी है। ये हमारे को एक दिन पहले फोन में पा चुका था, तो हमको थोड़ा एक उसकी बाइक खड़ी थी, बाइक की चाबी नहीं हमारे को पाई जी, बाइक की चाबी के जरिए हम वहाँ पहुंचे, तो हमने वहाँ पे छानबीन करी, छानबीन के मुताबिक हमने एक एक चीज वहाँ पे, गत्ते के गुत्ते पड़े थे, सब चीज उठा के देखे हमने, एक मोटर पड़ी थी, मोटर के यहाँ ईंटें उठा के देखी, एक गड्ढा, पानी का गड्ढा निकासी जिसे बना रखा था, पानी की निकासी बना रखी थी, उसमें झाँक के देखा मैंने, मेरे को पाया ये, मैंने झाँक के देखा उसमें ये सुसाइड का नोट फटा हुआ था 4 टुकड़ों में, जो कि हमने उस टाइम बरामद किया है।
आपने ये फटा हुआ देखा था वहाँ पे? उस टाइम फटा हुआ देखा था, चार नोट बरामद किया ये। क्या क्या कुछ लिखा है इसके? ये सारा पढ़ा हुआ है जी, ये सुसाइड नोट जी आप दिखा सकते हो उसमें। जी जी जी, ये सुसाइड नोट उसके मोबाइल में भी है। वो सुसाइड नोट भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसमें सर क्या कुछ लिखा था आपने, पूरा पढ़ा होगा एक बार बताएंगे। ये अपने उनकी फैक्ट्री से ही मिला और मोबाइल में भी मिला उसके सेम। क्या कुछ लिखा है इसमें? लिखा है मेरी मौत की जिम्मेदार आरती बिजोरिया और नेहा बिजोरिया है। आरती ने मुझे जनवरी 2023 में बातें करने के लिए एक वीडियो धोखे से ले ली, जिसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। 3 और 4 फरवरी को आरती को लास्ट कॉल करके उसने 1 लाख रुपए मांगे। 1 लाख रुपए की मांग की किस बात को लेकर की थी 1 लाख रुपए की मांग? वो इसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ जी। जी 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 ठीक है जी। और कुछ रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर? रिकॉर्डिंग उसके फोन में पहले से। ये न्यूड फोटो की बात कब आपको कैसे पता लगी? वो तो हमें इसमें पता लगी ना जी, सुसाइड नोट में लिखा हुआ है जी साफ साफ। अब सुसाइड नोट देखो, ये 3 पेजेस का है जी। यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि पैसों की मांग जो है वो फिलहाल बता रहे हैं कि लड़की के द्वारा की जा रही थी। और किस किस का नाम लिखा है लड़की के अलावा? और किस किस का नाम लिखा है लड़की के अलावा? भाई का लड़की के अलावा आरती बिजोरिया। वो कौन है आरती? वो उसकी भाभी है। और सुसाइड नोट में तीसरे शख्स का भी जिक्र हुआ है जो उससे पैसे लेने आता था। ये तो वो ही बता सकते हैं जी, पैसे की ट्रांजेक्शन वगैरह हुई है कुछ? ये तो अभी हमने देखी नहीं है, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। अभी कितने पैसे वो दे चुका है? कितने पैसे दे चुका था हनी? ये लिखा है सुसाइड नोट में लिखा हुआ 1 लाख वो दे चुका था। दे चुका है 8.5 लाख रुपए भी मांगे जा रहे थे न्यूड फोटो को छुपाने के लिए। हाँ जी हाँ जी, न्यूड फोटो को ब्लैकमेल कर रहे थे। सुसाइड नोट पे सब कुछ लिखा हुआ है, वो एसपी साहब जी को दिखाएंगे। आज एसपी साहब से मिलने आए? हाँ जी बिल्कुल, उन्हीं से हमें प्रार्थना बस, हमारी उन्हीं से मिलना है जी हमें बस। हम एसपी साहब से गुहार लगाएंगे कि हमें इंसाफ मिला जाए और कड़ी से कड़ी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुसाइड नोट पे अगर बात करें तो जो मंगेतर थी उनकी क्या नाम लिखा है? नेहा बिजोरिया। नेहा नाम लिखा? सिर्फ एक नाम किया सुसाइड नोट में या अन्य और कोई नाम भी है? नेहा के साथ उनकी भाभी आरती बिजोरिया है और एक शख्स है जो पैसे लेने आता था। कहाँ के रहने वाले हैं? परिवार के सदस्य हो सकते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? सदर बाजार अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, मकान नंबर 1915। नेहा कहाँ की रहने वाली है? सदर बाजार करनाल, अम्बेडकर नगर। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो आपके भाई ने सुसाइड किया है ये सिर्फ ब्लैकमेल होने की वजह से? ब्लैकमेल होने के बाद वो बहुत परेशान हो गए थे, उसकी मानसिक हालत खराब हो गई थी। और ये सुसाइड नोट वही फैक्ट्री से? सुसाइड नोट फैक्ट्री से मिला जी हमें, फैक्ट्री से। और उसके मोबाइल के अंदर भी आई है। आपने ढूंढा या पुलिस ने ढूंढा? ये हमने दिया पुलिस को, पुलिस ने कहा था हमें कि ये अब कुछ राइटिंग की आपके भाई की राइटिंग, राइटिंग हम पहचानते हैं जी। तो क्या परिवार को पहले कोई सरकार नहीं बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला आप देख पा रहे हैं हनी से जुड़ा हुआ, पिछले दिनों में जिस तरीके से ये पूरा मामला था, आज ये एसपी साहब से मिलने आए और मामला कुछ और ही लग रहा है, मामला कुछ और ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हनी की कुछ न्यूड फोटोज जो कि जो उसकी मंगेतर थी उसने अपने पास जो है वो देखी थी, जिसको लेकर जो है उससे ब्लैकमेल किया जा रहा था और 1 लाख रुपए देने की बात भी जो सुसाइड नोट में बता रहे हैं वो की गई है। लेकिन अभी फिलहाल पहले मामला कुछ और था कि शायद वो अपनी शादी टूटने से परेशान था हनी, जिसके बाद उसने अपनी परेशान होकर जान दे दी। लेकिन हालांकि दोस्तों ने भी ये बात करी थी कि हनी अपनी शादी टूटने से परेशान था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही हैं। जिला सचिवालय में इस समय हम करनाल के खड़े हुए हैं, जहाँ पर ये जो करनाल के जो एसपी हैं उनसे मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं, जिसमें मामले के आगे कार्रवाई को लेकर जो है ये यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हालांकि उनसे बात हम करने का जरूर प्रयास करेंगे कि यहाँ तक उन्हें क्यों आना पड़ा आखिर। तो सर एसपी ऑफिस तक आपको आना पड़ा, क्या दिक्कत आ रही थी? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? पुलिस से कोई कार्रवाई का हमारे को दिलासा नहीं मिला, कोई भी एक बार भी उसे चेक नहीं करा जाके कि भाई उसे बुलाया जाए चौकिंग अंदर। आपको भी हैरानी हुई होगी जब आप ये कह रहे हैं एक और सुसाइड नोट सामने आ गया और इतनी बड़ी बात लिखी है उसके अंदर? उसमें जी एक एक चीज लिखी हुई है, जो दूसरा जो सुसाइड राइटिंग मिला आपके बेटे की, राइटिंग एक ही है, राइटिंग बेटे की है। हाँ जी राइटिंग उसी की है, राइटिंग उसी की। हाँ हमने तो चेक किया क्योंकि हमारे को तो पता मिला सुसाइड नोट बाद में मिला है ये। हाँ बाद में जब वो दोबारा फैक्ट्री में गए ना, हमने देखे जब कि भाई अपना तुम सबूत इकट्ठे करो, इंचार्ज साहब कहते हैं सबूत इकट्ठे करके लाओ, जब भी तो कोई कार्रवाई करूंगा मैं।
सारी हनी की है। वैसे क्या लग रहा है, ये काम तो पुलिस को करना चाहिए था, ये पुलिस का काम था, वो हम कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, वो हमें करना पड़ा। यहाँ पर जो है फिलहाल पूरा मामला आपने देखा, और आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, परिवार को न्याय मिले, क्योंकि एक 30 साल का जवान युवक किस तरीके से फांसी लगा लेता है। मामला यहाँ पर कुछ अलग आ गया है सामने, पहले कुछ और था, अब कुछ और बनता हुआ नजर आया है, और बड़ा ही गंभीर मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में फिलहाल निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, और उम्मीद करते हैं परिवार को न्याय मिलेगा। एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हुए जिला सचिवालय करनाल के अंदर, सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।